हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड का आपका जो बुक एक्सरसाइज है, मैंने बताया था आपसे, आपने चैप्टर रीड कर लिया, उसके बाद जो बुक एक्सरसाइज है वो हम कराते हैं। सबसे पहले मैं इसमें क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ आपसे। चैप्टर फर्स्ट है माय फैमिली, जिसमें आपने अपनी न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड रिलेशन जो आपके होते हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको समझने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, हाउ इज द सिस्टर ऑफ योवर, यानी कि सिस्टर ऑफ योवर मदर और फादर, यानी कि तुम्हारी मदर और फादर की जो सिस्टर है रिलेटेड टू यू, वो आपसे कैसे संबंधित है, मतलब उसके आपके साथ क्या रिश्ता है। तो आपकी क्या लगेंगी, में यू नो दैट आंट लगेंगी। वैसे तो आप मतलब जानते हैं कि आपकी मदर और फादर की जो भी सिस्टर होती है उनको आप क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ समझा देती हूँ, जो आपके फादर की जो सिस्टर है उसे आप क्या बोलेंगे, बुआ जी, और मदर की सिस्टर को क्या बोलेंगे, मौसी जी। ठीक है, यानी दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो मैटरनल और पैटर्नल वाला ही होता है। पापा की साइड वाले जो रिलेटिव्स होते हैं वो पैटर्नल, और मम्मी की साइड वाले जो होते हैं वो मैटरनल। अब इसमें आपसे पूछा है कि मदर सिस्टर को क्या बोलते हैं, मतलब मौसी जी बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में, और फादर सिस्टर को क्या बोलेंगे हम, बुआ जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको क्या करना है, डिफाइन सिबलिंग, सिबलिंग को डिफाइन करना है, सिबलिंग क्या होते हैं, मतलब इसके बारे में बताना है। छोटा सा आंसर देंगे हम इसमें, क्या करेंगे, सिबलिंग इज योवर ब्रदर और सिस्टर। सिबलिंग जो होते हैं वो कौन होते हैं, सगा भाई या बहन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपकी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, वट इज अनदर नेम फॉर ए स्मॉल फैमिली, यानी कि जो आपकी आपका जो छोटा परिवार होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली। और न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होते हैं, पेरेंट्स और उनके बच्चे। ठीक है, तो हम क्या है, स्मॉल फैमिली का दूसरा नाम न्यूक्लियर फैमिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि वट इज़ ए जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या होती है, ए बिग फैमिली, एक बड़ा परिवार जिसमें कौन कौन रहते हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर एंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स और कजिन्स, जो सब क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, जॉइंट फैमिली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से आप क्या समझते हैं, कौन होते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ओवर मदर्स पेरेंट्स आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि जो आपकी मम्मी के जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि नाना नानी। ठीक है, ये आपको बताना था इसमें। अब नेक्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड, जो आपके वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें ही आपको उसमें फिल करना है। क्या है, फर्स्ट आपका माई फादर्स फादर, यानी कि मेरे जो पापा हैं उनके जो पापा होंगे वो कौन होंगे, आपके ग्रैंड फादर। सेकेंड क्वेश्चन है माई फादर्स मदर, यानी कि मेरे जो फादर हैं उनकी जो माँ होगी वो कौन होगी, बताइए, फादर की जो माँ होती है वो कौन होती है, दादी जी, यानी कि ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है माई फादर्स ब्रदर, यानी कि जो आपके पापा हैं उनके भाई को आप क्या बोलते हैं, अंकल। फोर्थ है आपका माई अंकल्स वाइफ, यानी कि जो आपके चाचा होते हैं, फूफा होते हैं, बुआ होती हैं, सॉरी फूफा, मौसा, मामा, चाचा, ये होते हैं, उनकी वाइफ को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंट। ठीक है, और जो आपके अंकल सन है, मतलब कि आपके चाचा का जो बेटा है उसको आप क्या कहेंगे, कज़िन, या ताऊ जी का बेटा है, या फिर बुआ का बेटा है, फूफा का बेटा है, मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, कज़िन बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको जो सही है उस पर सही का टिक करना है, और जो गलत स्टेटमेंट है उस पर गलत टिक करना है। मतलब फर्स्ट है आई रेस्पेक्ट माई एल्डर, यानी कि मैं अपने बड़ों का आदर करता हूँ, राइट, करते हैं। सेकेंड है आपका ए फैमिली, एक परिवार इन विच मदर फादर एंड चिल्ड्रन, जिसमें माँ और पापा और बच्चे एक साथ रहते हैं, इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। नो, जिसमें मम्मी पापा और बच्चे एक साथ रहते हैं वो कौन सी होती है, न्यूक्लियर फैमिली। सॉरी, ये यहाँ पे राइट टिक हो रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे, ये रॉन्ग टिक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसे रॉन्ग टिक कर लेंगे। ठीक है, क्या आएगा इसमें, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, न्यूक्लियर फैमिली।
ठीक है, क्या आना चाहिए था? न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पे रॉन्ग टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका माई आंट सन, यानी कि जो मेरी कौन है, आंट सन यानी कि चाचा का जो, चाची का जो बेटा है, तो इज माई कजिन वो होगा, यकीन है आपको चचेरा भाई बहन होगा या ममेरा भाई बहन होगा। तो क्या है ये सही है, ये राइट है आपका आंसर। इसमें आप राइट सही टिक करा है आपने। माई फादर्स ब्रदर यानी कि मेरे जो फादर हैं उनके जो भाई हैं। माई ग्रैंड फादर नो, यानी कि आपके जो फादर के भाई होंगे आपके क्या लगेंगे, अंकल। और फादर्स, फादर क्या लगते हैं आपके, ग्रैंड फादर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, रोंग है। फिफ्थ है, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हैव ए कॉमन सरनेम, यानी कि मेंबर्स, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो सरनेम होता है वो सबका क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सही है तो उसका सही टिक कर देंगे। आपका जो सेकंड वाला जो है इसमें ये गलती से आपका राइट टिक हो रहा है, इसको आपको क्या करना है, रॉन्ग टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सर्कल द पिक्चर ऑफ द ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर इन द पिक्चर शो इन द, शो ऑन द राइट, यानी किसमें आपको शो करना है, किसमें ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर कहाँ पर है, मतलब किसमें दिखाना है आपको। ग्रैंड फादर कौन से हैं, ये आपके कौन हुए, ग्रैंड फादर, और ग्रैंड मदर कहाँ है, ये आपकी हैं ग्रैंड मदर। ठीक है, ये पिक्चर आपकी यहाँ पे शो हो गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैंने अभी पहले ही करा दिए, और इन सबको आपको क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बताया था कि इसको, ये जो आपका सेकंड वाला है ये गलत टिक हुआ है, इसे आप रोंग कर देंगे। ठीक है, यानी कि जिस फैमिली में मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं वो सिर्फ, वो जॉइंट फैमिली होती है, नो, वो क्या होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अब आपको जो मैंने वर्क दिया है वो करना है। अगेन थैंक्स।